Good evening everyone, welcome to our channel. My name is Sneha Sharma and मैं communications trainer हूँ. आप सभी का इस channel में बहुत बहुत स्वागत है. I hope आप सभी बिल्कुल fit and fine हैं and MDRT achieve करने के अपने लक्ष्य, अपने target की ओर आप जोरों शोरों से आगे बढ़ते जा रहे हैं. जैसे मैंने पहले बताया, I'm a communications trainer. एंड हम लोगों का ये जो नॉलेज पोर्टल हमने बनाया है, ये यूट्यूब चैनल हमने जो बनाया है, आप में से काफ़ी लोग हमारे जो सेशंस है वो अटेंड करते हैं. एंड डेली का हमारा 9 PM का ये एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहता है, कभी सेल्स के ऊपर, कभी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, कभी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर. तो बेसिकली इट्स अ 360 degrees नॉलेज पोर्टल चैनल, जहाँ हम जितना हो सके आपको हर तरीके से फुल फ्लेजेड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि कैसे भी आप किसी चीज़ में पीछे ना रह जाए. श्योर शॉर्ट प्लान्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि ताकि आपकी जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई हो सके, आप किसी भी चीज़ में पीछे ना रहे अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से. तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, दैट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. कैसे ये आर्ट जो सुनने में बहुत नॉर्मल सी लगती है, ऐसा लगता होगा जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं या ट्रेनर्स हैं या होस्ट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये स्किल बनाई गई है या उन्हीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. कम्युनिकेशन स्किल्स एक आर्ट है, एक कला है, जो कि अगर जिसके पास है वो अपने बहुत से टारगेट्स, बहुत से ड्रीम्स पूरे कर सकता है. स्पेशली हमारी जो सेल्स फील्ड है, LIC की जो फील्ड है, उसमें ये स्किल होना बहुत बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मैं अपने सारे सेशंस में आप सभी को ये बात ज़रूर बार बार एम्फेसिस कर करके कहती हूँ कि नो मैटर हाउ मेनी टेक्निक्स यू हैव, या आपके पास कितनी सारी टेक्निक्स है, कितनी सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स है, नेगोसिएशन स्किल्स है, बट एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू आर्टिक्यूलेट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स, या अपने आप को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे सामने वाले के साथ, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती है. तो इसीलिए हमारी फील्ड में एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है, इट्स अ टू वे प्रोसेस, जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक मैसेज होता है. जब वो मैसेज सेंडर से रिसीवर तक चला जाता है, एक मैं टेक्निकल लैंग्वेज में अगर छोटी सी बात करूँ तो ये वो मैसेज जब दूसरे इंसान तक चला जाता है तो वो कम्युनिकेशन हुआ. और यही मैसेज जब एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से दूसरे इंसान तक पहुँचता है, प्रभावशाली तरीके से दूसरे इंसान तक पहुँचता है, उसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. जिसके पास ये स्किल है वो मास्टर है. और ये फैक्चुअल चीज़ है बिल्कुल, ये प्रूवन चीज़ है बिल्कुल. एंड काफ़ी सारे लोगों को एक डाउट होता है, एक मिथ होता है, दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज के आसपास घूमती है, दैट इज़ इंग्लिश. जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी. ये एक मिथ है, बट आप में से काफ़ी लोग अपने अंदर कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि आज के ज़माने में, स्पेशली इंडिया जैसी जगह में जहाँ पे ये एक बहुत बड़ी इसको चीज़ माना जाता है कि नो मैटर आपके पास कितनी अच्छी स्किल्स है, अगर इंग्लिश नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. ऐसा कुछ नहीं है. कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको एक अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत हाई फाई वर्ड्स हो जो कभी सामने वाले ने सुने भी नहीं है, या आपकी कमांड इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी हो. आपको सिर्फ अपना व्यू पॉइंट दूसरे को एक्सप्रेस करना है. इनफैक्ट अगर मैं आपको रेशियो बताऊं, ओनली 10% आपके शब्दों का खेल है कम्युनिकेशंस में. सिर्फ 10% आपके जो शब्द होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बाकी जो 30% है वो आपकी टोन, द वे यू आर स्पीकिंग, आपकी टोन, आप कैसे पॉजेस लेते हैं, आप कौन से वर्ड्स में ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं. एंड 60% आपकी बॉडी लैंग्वेज रोल प्ले करती है.
तो अगर किसी को ये लगता है कि अगर हम हाई फाई वर्ड्स नहीं बोलते हैं या फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुहावरे नहीं होते हैं, प्रोवर्ब्स नहीं होते हैं, तो हम एक अच्छे वक्ता या अच्छे हम कम्युनिकेटर नहीं बन सकते. इट्स नॉट द केस. हाउएवर, हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी भी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो हिंदी हो, आपकी मदर टंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आप ट्राई ज़रूर करिए कि आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करिए, बात करना शुरू करें. एंड जिस तरह से चैरिटी ऑलवेज बिगिन्स एट होम, उसी तरह से प्रैक्टिस ऑलवेज बिगिन्स एट होम. अपने घर पे ट्राई करिए, घर से ही ट्राई करिए, अपने स्पाउस से बात करना, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों से बात करना, अपने फ्रेंड्स से बात करना. थोड़ी थोड़ी मैं आपको आज के सेशन में टिप्स प्रोवाइड करूँगी जो आपकी आपको हेल्प कर सकता है. तो ये स्टार्टिंग का जो 5 मिनट थे वो इम्पॉर्टेंट था इस स्किल पे एक्चुअली लाइट थ्रो करना, बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं कि टेक्निक्स के पीछे भागते हैं, स्पेशली सेल्स फील्ड में टेक्निक्स के पीछे भागते हैं, बट हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को. आप सभी ने नोटिस किया होगा कि एक वाइब हमारे अंदर आती है कभी कभार, जैसे अगर हम किसी मार्केट में गए या एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट को हमको बाय करना है, एंड हम वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए बी सी डी, शॉप ए शॉप बी शॉप सी शॉप डी है, तो हम किसी एक प्रेफरेंस देते हैं किसी एक सेलर को, उस शॉप को नहीं बट उस सेलर को, उस सेल्समैन को हम बहुत प्रेफरेंस देते हैं. एक अजीब सा एक वाइब सी आती है. वो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही होता है और वो सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं होता है. अगर हम ये कहें कि शॉप बी पे हम गए थे, हमको यही प्रोडक्ट, जैसे एक छोटा सा वेजिटेबल चॉपर है, हम स्पेशली हम लेडीज़ की यही आदत होती है कि एक ही प्रोडक्ट है, सिमिलर प्राइस है, उसके बाद भी हम लोग दो तीन जगह जाएंगे एंड वो प्रोडक्ट देख कर आएंगे, रिसर्च करके आएंगे, उसके बाद भी हम सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट सेलर से, फर्स्ट सेलर से बाय ना करके, सेकंड से बाय ना करके, थर्ड से, या फिर मे बी हमको फर्स्ट से ही वो वाइब आ जाती है. तो वो वाइब क्या होती है? वो वाइब होती है द आर्ट ऑफ सेलिंग. एंड आप सभी इसी प्रोफेशन में हैं, जिस प्रोफेशन में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ड्स का 10% रोल प्ले होता है, बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है. बहुत से लोगों को ये बात पता भी नहीं होती है कि बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन में कितना बड़ा रोल प्ले करती है. तो 60%, 60 to 65% रोल जो है वो बॉडी लैंग्वेज का ही होता है. एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले हम ऊपर से नीचे चलते हैं. सबसे पहले अगर हम वर्ड्स की बात करें, वर्ड्स कितना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. 10% एज यू ऑलरेडी नो, 10% रोल प्ले किया जाता है. हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस होगी वो कम होगी और हम कितना ज़्यादा भी और कितना कम में भी बात कर लेंगे और वो चल जाएगा. दिस इज़ नॉट द केस. अपना जो भी मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं, चाहे वो टोन हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे पावर ऑफ वर्ड्स हो, अपना अलग ही योगदान है पूरे कम्युनिकेशन स्किल में. तो अगर हम सबसे पहले वर्ड्स की बात करें तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम आइस ब्रेक की बात करते हैं. तो आइस ब्रेक क्या होता है? आइस ब्रेकिंग, जिस भी चीज़ को हम, किसी ठंडे चीज़ को अगर हम हमेशा अगर बात करें तो वो थोड़ी कोल्ड या थोड़ी रफ, या इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कोल्ड से रिलेटेड होते हैं, उसको हम नेगेटिव चीज से रिलेट कर पाते हैं. आप में से काफी लोगों को कोल्ड वॉर पता होगा. कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर मतलब होता है दो देशों के बीच में जब हम लोग वेपन्स यूज नहीं कर रहे हैं, वॉर नहीं हो रहा है प्रॉपर, मगर बातों से ही इतने ज्यादा तंज कसा जाता है या सरकाज्म होता है कि दो देशों के बीच में बिना बात करे भी काफी कुछ कह दिया जाता है, तो उसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, जहाँ पे वॉर यूज नहीं हो रहा है, बहुत लिमिटेड बातचीत हो रही है और अपना एग्रेशन या फिर अपनी डिप्लोमेसी जता दी जाती है. तो वर्ड यूज हुआ कोल्ड वॉर. एक वर्ड होता है कोल्ड शोल्डर. ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर, वाई शुड आई टॉक टू हिम. तो इसका मतलब होगा, कोल्ड शोल्डर मतलब होता है कि किसी को अच्छी तरह से ट्रीट ना करना, अच्छा बिहेवियर शो ना करना. वो इंसान बहुत कोल्ड है, वार्म नहीं है, उससे मुझे वार्म फीलिंग्स नहीं आती है. तो जहां भी हम कोल्ड यूज करेंगे वहां पे नेगेटिविटी आएगी, जहां हम वार्म यूज करेंगे, गर्म जोशी से मिलो, तो ये एक हुआ वार्म रिगार्ड्स, जो हम नीचे लिखते हैं दैट पर्सन वॉज वेरी वार्म टूवर्ड्स मी.
तो जहाँ भी वॉर्म या गर्म चीज़ें ये जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं वो जब आता है तो इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं, और जहाँ भी कोल्ड आता है या फिर अब आइस ब्रेकिंग की बात करें, आइस क्या है, कोल्ड है, आइस को ब्रेक करना है, मतलब हम कोई पॉजिटिव चीज़ करना चाहते हैं, अब वो आइस क्या होती है? देखिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर दैट हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सेल्स की फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण रोल उसका होता है। क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि हमारा 24/7 प्रोसेस होता है। ये ऐसा कोई इस प्रोफेशन में हम नहीं हैं, हम किसी आईटी फील्ड में या इंजीनियर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई टीचर है और अगर वो किसी ग्रॉसरी स्टोर में गया है या मदर डेयरी गया है या किसी भी स्मॉल और बिग इवेंट में गया है, वहाँ उसको अपना क्लाइंट, मैं ये नहीं कहूँगी क्लाइंट ढूंढना होता है, बट वहाँ पर उसको उम्मीद होती है कि हाँ आज मेरे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता ना। उसको लिमिटेड उसका होता है कि या तो वो ट्यूशन से या उसका अपना कोचिंग सेंटर या स्कूल में गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब, उसके अलावा ही डजन थिंक अबाउट इट, राइट। बट सेल्स की फील्ड में जो है, स्पेशली अगर मैं आज अगर हमारा LIC का अगर सेशन है, अगर उस फील्ड में है, तो अगर हम किसी बड़े इनफॉर्मल या फॉर्मल फैमिली गैदरिंग हो, फ्रेंड्स गैदरिंग हो में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस उम्मीद में हम जाते हैं कि आज कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं। तो हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है, पार्टी में भी चलेगा, बिफोर पार्टी भी चलेगा और आफ्टर पार्टी भी चलेगा। हमको रेफरेंसेस मिल सकते हैं, हमारी क्रॉस सेलिंग हो सकती है, इसीलिए जो हमारा काम है वो 24/7 है, परपेचुअल। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूस, ऑनगोइंग रहता है। तो इसमें क्यों ये वर्ड्स का रोल प्ले होता है? अगर हम किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल गैदरिंग में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हम सभी को जानते हैं और सभी को जानने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बट अगर हमको वार्तालाप अपनी आगे बढ़ानी है, अपनी कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ानी है, तो स्टार्टिंग में एक कोल्ड परत होती है ना, ठंडी परत होती है, जहाँ सामने वाला हमको नहीं जानता, हम सामने वाले को नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो ईच अदर, स्टिल वी वॉन्ट टू टॉक बिकॉज हम सेल्स फील्ड में हैं एंड हमको ही जो फर्स्ट स्टेप लेना है वो हमको लेना है। हमें सिखाया भी यही जाता है, यही अच्छी राइट चीज़ भी है, बिकॉज इस टाइम पे ज़रूरत हमारी है। तो हम दूसरे को बताना चाहते हैं हम इस फील्ड में काम करते हैं, हम अपने प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं, हम उनसे उनके प्रोफेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कोल्डनेस जो होती है वो ख़त्म कैसे होती है, ये आइस जो होती है जमी हुई वो ब्रेक कैसे होती है? वो पावर ऑफ वर्ड्स से ही होती है। आप क्रिस्प मगर बिल्कुल अच्छे ढंग से जब बात करते हैं, उसका एक अननोन पर बहुत बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो आई डू नॉट बिलीव इन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हाउएवर, मैं एक बात पे ज़रूर बिलीव करती हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्प्रेशन। ये बात तो आपको हर कोई, जो भी ट्रेनर्स होते हैं या आपके एम सर की भी अकेडमी से जुड़े हुए हैं, हमेशा ये बोला जाता है कि एक प्रॉपर आपका हम जिस फील्ड में हैं, प्रॉपर आपका एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेबल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एंड एक और चीज़ के बारे में अगर मैं आपको बात करूं कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो अगर मैं अभी आइस ब्रेकिंग की ही बात करती हूं, आपको नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। एंड वो नॉलेज सिर्फ आपको कंस्ट्रिक्ट नहीं कर देनी है अपने काम से रिलेटेड, देश और दुनिया में क्या हो रहा है आपको वो पता होना चाहिए, और उसको अच्छी तरह से शब्दों में, कम शब्दों में एक्सप्रेस करना, आर्टिकुलेट करना कैसे आए। हमेशा आपके माइंड में अगर एक ही चीज़ घूमती रहेंगी, क्लाइंट 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 क्लाइंट, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर एक ही चीज़ घूमती रहेंगी कि इसको जाते ही मैं बस पिच कर दूँ कोई पॉलिसी, नोन है अननोन है वी डू नॉट केयर। तो आप सभी, इतना इंटेलेक्ट लेवल आप सभी का है कि आप सभी को पता है कि ये चीज़ सही नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं ये चीज़ कर देते हैं। उस चीज़ से हटकर अगर हमको एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, आप जब भी कहीं भी जाए आप आइस ब्रेक करने की कोशिश करिए। वो होगा तब जब आप जितना नॉलेज ग्रास्प करेंगे, जब आप बुक्स जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे, उससे आपकी जो वर्ड्स है उसकी पावर है वो भी इंक्रीज होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में आपकी कोई भी मदर टंग है, उसमें आप अपने शब्दावली को, वर्ड्स की जो शब्दों की जो डिक्शनरी है उसको बढ़ाइए। देखिए, हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बचपन से ही फीड हो जाते हैं, जो बड़े होकर हम सोचते हैं कि इसका हिंदी में तो क्या ट्रांसलेशन है, हमको पता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से हम उस चीज़ को इंग्लिश में ही बोलते आए हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर है या फ्रिज है या एयर कंडीशन है या
प्रीमियम है, पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें हम अपनी फील्ड से ही अगर रिलेटेड बोल दें, प्रीमियम है, बोनस है, सम अश्योर्ड है, मेच्योरिटी है, डेथ बेनिफिट है, या जो भी चीज़ है, तो इन सभी वर्ड्स को हम इंग्लिश में बोलते आए, हिंदी में हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं. बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामने वाले को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं. तो सामने वाले को भी समझ में आएगा, मतलब हमारे माइंड की डिक्शनरी में जो वर्ड फीड है हमारे मुंह से वही निकलता है. तो उन वर्ड्स का जो उच्चारण हमको जिस तरह से करना है, आप उसको आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा. आपको अच्छी बुक्स, आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पॉलिसी को कितने तरीकों से आप बेचेंगे. प्लान्स तो कितने हैं, मैक्सिमम 8 to 9 प्लान्स हैं, उन्हीं को आपको बदल बदल के बेचना है, राइट? तो आपके पास और तरह की बातें करने के लिए इससे रिलेटेड नहीं है. आपको अपने जो पिच है उसमें जान डालनी है. वो तभी आएगी जब आपका पावर ऑफ वर्ड्स इंप्रूव होगा, वो तभी आएगी जब आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, जब आप एग्जांपल्स देंगे. कोई भी आप बात करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, चाहे वो अननोन है, नोन है, एग्जांपल्स के साथ बात करना सीखिए. जैसे मैंने अगर आपको एक एग्जांपल बताया था, शॉप ए बी सी डी, तो आप रिलेट कर पाते हैं. ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम रिलेट कर पाते हैं एग्जांपल्स के साथ. एग्जांपल्स में बात करना सीखिए. स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग में मैं ये नहीं कहूँगी आपको 5 से 6 मिनट की कोई कुक स्टोरी हो, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. एक छोटा सा वाक्य या फिर एक इंटरेस्टिंग सी पिच में बात करना स्टार्ट करिए. अपने वर्ड्स को इम्प्रूव करिए. आप जितना ज़्यादा अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है सेल्स की ही बुक्स पढ़े, कोई भी मोटिवेशन बुक किसी भी चीज़ से रिलेटेड. बिकॉज देखिए, जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग होगी वो दिन का कितना टाइम लेगी, वो दिन के 4 से 5 घंटे लेगी. बट कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं, जब हम जॉब करते हैं तो भी हम प्रॉपर 9 to 10 hours देते हैं अपनी जॉब को, राइट? बट जब हम फुल फ्लेजेड LIC के काम में आ रहे हैं या फिर सेलिंग के काम में आ रहे हैं, तो हमको लगता है 4 से 5 घंटे काफ़ी है. 4 से 5 घंटे प्रोस्पेक्टिंग के लिए काफ़ी होते हैं. 2 घंटा अपने आप में आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आप में सबसे पहले इन्वेस्ट होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो दुनिया को उनकी सक्सेस दिखती है. दुनिया को एक्चुअल में सिर्फ सक्सेस नज़र आती है, उसके पीछे कितना हार्डवर्क गया है वो नज़र नहीं आता. अगर कोई बहुत अच्छा वक्ता है या फिर अगर कोई बहुत अच्छा स्पीकर है तो हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इसके पास इतने मुहावरे आते कहाँ से है, या इतने स्टोरीज आती कहाँ से है, इतने एग्जांपल्स कहाँ से आते हैं, रिलेटेबल, वो भी वो प्रैक्टिस से आते हैं. मैं अपने सेशंस में काफ़ी बार ये बात कहती हूँ. स्टीव जॉब्स जो बहुत बड़े स्पीकर हैं, वो भी जो अपने उनके जो स्पीचेस होती है उसको कम से कम 7 times रिवाइज करते हैं. उनके जैसा कॉन्फिडेंट इंसान अगर अपनी जो बिजनेस मीटिंग्स होती है या उनको कोई प्रपोजल देना है या स्टेज पे उनकी कोई स्पीच है या कोई अच्छा मीटअप है, उसके पहले वो कम से कम 7 times रिवाइज करते हैं, तो हम तो इतना कर ही सकते हैं अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए. तो सबसे पहली बात है जो मैंने वर्ड्स की बात करी, 10% रोल प्ले करते हैं बट इनको इम्प्रूव किया जा सकता है. डेली के जो मेरा कहने का जो छोटा छोटा मतलब है वो यही है, आपके डेली की जो पिच है उससे ऊपर उठिए. नए वर्ड्स को ऐड करिए अपने माइंड की डिक्शनरी में, नए नए वर्ड्स को ऐड करिए. वो तभी होगा जब आप बुक्स पढ़ेंगे, वो तभी होगा जब आप इंटेलिजेंट लोगों के आसपास होंगे, जब आप इंटेलेक्चुअल चीज़ें जाननी शुरू करेंगे एंड उनको एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे. सेकेंड चीज़ के बारे में मैं बात करूँ तो वो है बॉडी लैंग्वेज, जो 60 to 65% रोल प्ले करती है. देखिए, ऐसा कहते हैं कि जो बेस्ट कम्युनिकेटर होता है दुनिया में वो एक इन्फेंट बेबी होता है. एक छोटा बेबी, 1.5 साल से नीचे का जो बेबी होता है वो बेस्ट कम्युनिकेटर होता है. हाउ? ना उसके पास वर्ड्स है, ना उसके पास कोई और ऐसा वे है जिससे वो अपनी मदर, फादर या अपने आसपास के लोग जो उससे प्यार करते हैं उनको एक्सप्रेस कर पाए कि वो क्या करना चाहता है. बट उसके बाद भी वी अंडरस्टैंड एंड वी ट्राई टू मेक हिम और हर कंफर्टेबल, की शांत कराने की, पैसिफाई कराने की कोशिश करते हैं. हम लोग कैसे समझते हैं? उसकी बॉडी लैंग्वेज से. बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, हमको पता चल जाता है कि मे बी इसको अभी भूख लगी है, या मे बी नींद आ रही है, या मे बी अनकंफर्टेबल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको. एक बच्चा बहुत अच्छी तरीके से उसको पता है कैसे करके अपनी बात को ट्रांसफ़र करवाना है.
तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात कही थी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो यही होता है, सेंडर रिसीवर को एक मैसेज पहुंचा देता है, और जब ये मैसेज इफेक्टिवली पहुंचाता है तो उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जो इन्फेंट होता है, छोटा बेबी होता है, वो बेस्ट कम्युनिकेटर है। यहाँ आई बात बॉडी लैंग्वेज की, अनकम्फर्टेबल बॉडी लैंग्वेज हुई, हमको समझ आ गया, कम्फर्टेबल बॉडी लैंग्वेज हुई, हमको समझ आ गया। तो एक्चुअली जो हम दूसरे के साथ में करते हैं वही दूसरा हमको उसी चीज में आंकता है। आप अंदर से कॉन्फिडेंट है, आपका कॉन्फिडेंस बाहर दिखेगा और दूसरे को समझ आएगा। आप अंदर से नर्वस है, परेशान है किसी बात पे, वो आपके अपने पराए सबको दिखेगा और वो उसी तरह से रिएक्ट भी करेगा। तो उसी तरह से जब आप सेल्स की प्रेजेंटेशन देते हैं किसी के भी सामने, चाहे आपका नोन है, अननोन है, रेफरेंस पर आप गए हैं या कुछ भी है, आप जैसा एक्चुअली आपके मन के भाव है सामने वाला पढ़ता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम दूसरे के मन के भाव पढ़ सकते हैं। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट रखिए, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखिए, एक अपना सिटिंग पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट रखिए। यू शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट, यू शुड ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट। चाहे आप मीटिंग में हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी, यू शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट। इसको अपनी हैबिट, एक हैबिचुअल रूटीन बनाइए इसको अपना। जब आप खड़े होते हैं तो पावर पोजीशन में खड़े होइए, अपने दोनों पैरों को बैलेंस करके, ना ज़्यादा लेफ्ट में झूलना ना राइट में झूलना। यू शुड ऑलवेज स्टैंड इन अ वेरी बैलेंस्ड पोजीशन, जेब में हाथ डाल के नहीं, हाथ इस तरह से करके नहीं, हैंड्स फोल्ड करके नहीं। एंड हाथों को बहुत ज़्यादा ऐसे जब आप मूवमेंट करते हैं, इससे भी सामने वाला डिस्ट्रैक्ट होता है, ये सब कुछ नहीं करना है। तो आपको जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत कंफर्टेबल रखनी है, बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत कॉन्फिडेंट। उसी तरह से मैं आपको अगर थर्ड चीज पर आऊं, वो है आपकी टोन। आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कॉन्वर्सेशन में। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहना कुछ और चाहते हैं, एक्सप्रेस कुछ और करना चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। यहाँ काम आती है आपकी टोन। एक इंसान अंदर से बहुत बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है एंड डिस्करेजिंग है, बट उसकी टोन, वो उस तरह से खेलता है अपनी टोन के साथ कि सामने वाला बहुत टाइम लगता है उसको समझने के लिए एक्चुअली में ये इंसान कैसा है। और उसी दूसरी तरफ अगर एक इंसान है वो अंदर से बहुत ज़्यादा वार्म फीलिंग्स रखता है सबके लिए एंड बहुत अच्छा सोचता है, बहुत इंकरेजिंग है, बट स्टिल अगर उसकी टोन पे कंट्रोल नहीं है उसका, तो बहुत बहुत ज़्यादा उसके रिलेशंस इफेक्ट होते हैं। आपकी जो टोन होती है वो बनते बनते काम बिगाड़ सकती है और बिगाड़ते हुए काम बना भी देती है। आप सभी इस बात से एग्री जरूर करेंगे। तो अपनी टोन पर ध्यान देना है आपको। ये सिर्फ आप प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम लोग LIC फील्ड से रिलेटेड है या मेडिक्लेम का हमारा काम है या GIC का, इस चीज़ों में ये टेक्निकल चीज़ें कहाँ से आ गई, हम पॉलिसी बेचेंगे या ये टोन पर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, एक प्रोडक्ट के सेलर्स बहुत सारे हैं। मैंने वो वाइब की बात करी थी स्टार्टिंग में, वो वाइब इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके ही आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ये तीनों फैक्टर्स, जो कि सबसे पहले है पावर ऑफ वर्ड्स, दूसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज और तीसरा है आपकी टोन। इन तीनों को अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा ग्रो कर लेंगे। तो आपको इस चीज़ को मास्टरी करनी ही चाहिए। टोन पर ध्यान दीजिए, अपनी बात करते करते पॉजेस पर ध्यान दीजिए, कहाँ रुकना है, किन वर्ड्स पे स्ट्रेस करके उनको ज़्यादा अच्छी तरह से बोलना है, प्रोनंसिएशन पर ध्यान दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन क्लियर नहीं होता, वो आपके जो कॉन्वर्जेशन है, वार्तालाप है, जो बातचीत हो रही है उसमें बाधा का काम करते हैं। एंड आपको वो जो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, ग्लिचेस है, उनको हटाना है। तो सबसे पहले इसी चीज़ पर ध्यान दीजिए, टोन आपकी करेक्ट है तो आपके बहुत सारे काम अच्छे हो सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं आपको बात करना चाहूँगी आपके इंट्रोडक्शन पर, जो लोग इग्नोर ही नहीं, ये लोगों को पता ही नहीं है कि आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए अपना। यू शुड नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इस सेशन के बाद ज़रूर अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए, और ये इंट्रोडक्शन एक बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कभी भी आपका डोर नॉक कर सकती है, उस टाइम पे अगर आप अपनी पिच बनाएंगे, चलो मैं अभी 10 से 15 सेकंड की कोई पिच बनाता हूँ कि मैं एक्चुअली हूँ क्या, मैं क्या काम करता हूँ, एक्चुअली मैं आपको कुछ याद नहीं आएगा उस टाइम पे, बिकॉज इतना ज़्यादा माइंड बैफल अप हो जाता है। तो एक पिच आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, आप कौन हैं,
डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, व्हाट्सएप पर स्टेटसेस लगाने का जमाना है, फेसबुक पर अपने आप को मार्केट करने का जमाना है, ऑनलाइन आने का जमाना है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपनी वीडियो बनाइए, फेसबुक पर डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए, फेसबुक पर या अपना व्हाट्सएप पर आप वीडियोस बना बना के अपने प्लान्स के बारे में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले घर में प्रैक्टिस करने से शुरू करिए, अपनी खुद की वीडियोस बनाइए। जो भी मैंने चीज़ें कही, तीन चीज़ें हैं, छोटी सी सेशन, ये एक बहुत छोटा सा सेशन था, इसमें मैंने सिर्फ तीन चीज़ों पर आपको ध्यान देने को कहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन देखा जाए एक बहुत वास्ट टॉपिक है, एक एक टॉपिक पर दो दो तीन तीन घंटे बात हो सकती है। बट ताकि आप बहुत सारी चीज़ें इस सेशन के बाद अपने माइंड में लेकर जाए, मैंने बहुत छोटा इस सेशन को रखने की कोशिश करी है। टोन पर, बॉडी लैंग्वेज पर और वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप अपनी पिच में, जो आपकी करंट पिच है, उससे डिफरेंट सोच पाएंगे और उससे डिफरेंट अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपका सेशन आज का जो आपने अटेंड किया, ये बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। एंड कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, एंड मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नए हैं, जो भी लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने जितने भी को एजेंट्स होंगे, जितने जाने वाले होंगे जिनको शायद ज़रूरत लग सकती है कि हाँ उनको सेल्स की फील्ड में, LIC की फील्ड में कुछ नई ऊंचाइयों को छूना है। ज़रूर इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल की वीडियोज़ को शेयर करिए। हम इसी निरंतर प्रयास के साथ ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए बनाते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे अहेड।